मैं सासू और ससुरा है, वो अच्छा, मेरे माता पिता के समान। अच्छा, माता पिता हाँ, के समान है। लेकिन हम फुल फैमिली है, मेरे घर में 20 जन है, सब साथ में ही रहते हैं। हम 20 लोग हैं, सब साथ में सारे ज्वाइंट करते करते हैं, भावुक हो गए। और उन्हें ये लग रहा है कि बेटी की तरह जो है बहू आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है, और बाबू जी की आंखें जो है वो छलक आ रही हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, अरे नहीं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मिले हैं, और बाबू जी की आंखें जो है भर आई है। ये मतलब परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो ऐसा परिवार, ऐसी बहू, ऐसे बेटे मिले हैं। पानी भी नहीं भरने देती, जहाँ बैठे वहाँ पानी ला देती है, खिलाती है, पांव दबाती है, सब करती है मेरा काम जी। तो पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है भैया? मैंने मेरी सासू का ऐसा ही काम किया। आपने ए, मेरी भाभी है, पर माँ समान जैसे इतना रखती है, इतना रखे तो जिस माँ बाप को कहो याद नहीं दिलाती। अच्छा, हमारे जीवन में सबसे बड़े भगवान हमारे माता और पिता होते हैं। अगर माता पिता की पूजा और सेवा अच्छे से कर ली तो तीर्थ में जो फल मिलेगा वो माता पिता की सेवा के साथ भी वही फल मिलेगा। आज यहाँ पर देखकर सरयू मैया के किनारे बहुत अच्छा लग रहा। गुजरात से एक ऐसा परिवार आया है जो अपने माता पिता की सेवा पूजा यानी सरयू जी के जल के साथ कर रहे हैं। तो कैसे, किस जगह से, कहाँ से, किस स्थान से हैं, गुजरात से, ये भी जानकारी करेंगे। क्या नाम है? भाविका बेन सुखड़िया। जी जी, कहाँ से आए हैं आप? हिम्मतनगर से आए हैं जी। तो ये कौन है, माताजी पिताजी कौन लोग हैं? ये मेरे पिताजी है और मेरी माताजी है जी। मैं सासू और ससुरा है, वो अच्छा, मेरे माता पिता के समान। अच्छा, माता पिता हाँ, के समान है। लेकिन आज के समय में तो बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे आप सेवा कर रहे हैं बहुत कम दिखाई देता है कि बहू जो है ऐसे आदर और सत्कार के साथ जो है। ना, मैं इनकी बहू नहीं, इनकी बेटी हूँ। बेटी की तरह जी। तो जल जो है सरयू जी के जल से इनका पांव पखार रहे थे जी, धुलकर। तो ऐसे ही घर पर भी सेवा करते हैं? हाँ, घर पर भी सेवा करती हूँ उनकी जी। रोज पाँव पड़ती हूँ मैं, रोज पाँव छूती हैं। आप देखिए, इन दोनों और हम, मेरे पति की, तीनों की, इनका भी, भाई साहब का। अच्छा, तो भाई साहब ये नहीं कहते बराबरी वाला मामला तो नहीं होता? ना, ना। जी, सब मतलब इनको परमेश्वर। हम फुल फैमिली है, मेरे घर में 20 जन है, सब साथ में ही रहते हैं। हम 20 लोग हैं, सब साथ में, सारे रहते हैं, सारे ज्वाइंट। और दो बड़े भैया है, वो भाभी है, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, पर हम तीनों आए, भैया और भाभी आप आके आगे गए जी। मम्मी और पापा को भी सब लेके आए थे, फिर से हम लेके आए जी, सब यात्रा कराई हम, हमने उनको। तो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने माता पिता की सेवा के लिए एकदम तत्पर थे, उसी तरह से मुझे लगता है कि आप लोग भी जो है सेवा, हम सेवा करते हैं माता पिता की। माता पिता मेरे सास ससुर मेरे माता पिता है जी। तो आप इन्हें पहचान लीजिए। देखिए, आज के समय में सास ससुर की सेवा माता पिता के बराबर यानी माता पिता को मानकर करना ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसी बहनें, ऐसे लोग भैया, ऐसे लोग हमारे समाज के लिए नजीर हैं जो इतने भाव से सेवा भाव भक्ति कर रहे हैं। तो जो है आरती पूजा या कभी ऐसा अवसर आता है तीज त्योहार पर तो वो भी करते हैं आप? सब करते हैं हम, सब त्योहार सब करते, घर पे ही करते जी, सब फुल फैमिली के साथ करते हैं, मम्मी पापा भैया भाभी हम सब बच्चे सब जी, जी, सब जी। करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम भाई सुखड़िया है जी। तो गुजरात से रहने वाले जी, अहमदाबाद के पास हिम्मतनगर आए उधर से जी। तो कभी इन्होंने कहा नहीं कि इतनी सेवा करनी पड़ती है? मैंने कुछ भी कभी नहीं बोला उन्होंने जी। तो हमारे साथ जैसे हम सेवा करते वो भी साथ, हमारे दो 20 सप्ताह में हम 20 फैमिली साथ में रहते जी, 20% सब साथ में रहते, सब एक ही साथ खाना खाते, सब एक साथ। आज के समय में, आज के समय में हमारे घर में करीबन 20 आदमी रहते, 15 से हमारे जो वर्कर है हम सब सब साथ में रहते जी। आज के समय में ये बहुत नजीर परिवार है जहाँ पर 20 लोग 20 सदस्य एक साथ रहते हैं और इतने सेवा भाव सत्कार के साथ सभी परिवार के सदस्य रहते हैं। बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम ललित भाई है जी। हाँ, तो बहू तो आपकी बेटी की तरह है, इतना प्यारा संस्कार, इतना अच्छा संस्कार, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है जी। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी छलक रही हैं, आपके भाव आ जा रहे हैं। देखिए बाबू जी बात करते करते हैं भावुक हो गए, और उन्हें ये लग रहा है कि बेटी की तरह जो है बहू आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है, और बाबू जी की आंखें जो है वो छलक आ रही हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, अरे नहीं,
ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मिले हैं और भाऊ जी की आंखें जो है भर आई है। ये मतलब परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जो ऐसा परिवार, ऐसी बहू, ऐसे बेटे मिले हैं। नहीं तो आजकल तो चलन है कि वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जी मैया क्या नाम है? पुष्पा बेन सुखड़िया। जी ऐसी बहू पाकर तो आप तर गई। बहुत मैं तर गई हूँ जी। दो लड़की नहीं है, ये सब तीन ही तीन लड़कियाँ। अच्छा तीनों बहू ऐसे पानी भी नहीं भरने देती, जहाँ बैठे वहाँ पानी ला देती है, खिलाती है, पांव दबाती है, सब करती है मेरा काम। जी तो पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है भैया? मैंने मेरे सासू का ऐसा ही काम किया। आपने ऐसे सासू का ऐसा ही काम किया जी। और मेरी भी औरत सब लोग ऐसे भी है जी। ये आप सब ध्यान करिए कि जैसे माता बता रही हैं कि इन्होंने अपने माता के लिए यानी सासू माँ के लिए सेवा की, तो उसी प्रकार से बहू भी सेवा कर रही है। तो जैसा आप बच्चों को संस्कार देंगे, जैसा आप बच्चों को सिखाएंगे, वही बच्चे सीखेंगे। आज हम संस्कार से दूर इसलिए हो रहे हैं कि हम अनुकरण नहीं करते, अनुसरण नहीं करते, हम करके नहीं दिखाते और इसीलिए दूर हो रहे हैं। जी आपका क्या नाम है मैया? जी आप बता रहे पूरे गुजरात में ऐसा होता है? हमारे गुजरात में ऐसे भी, हमारे समाज में ऐसे ही होते हैं। अच्छा सुखड़िया अपने देवरानी जेठानी है। अच्छा देवरानी जेठानी। हाँ तो आप सेवा करती हैं? सेवा करती हैं। इसे तो यात्रा लेकर आई है। जी यात्रा लेकर आई हूँ। हमारे दिखने के घर 100 लोग 100 लोग 100 लोग और साथ में रहते, साथ में रहते, साथ में खाते, साथ में खाना पीना, कोई काम वाली नहीं, सब जाते रास्ते बना के खिलाते। जी हमारे समाज में सब लोग ऐसे होते, सभी लोग होते हैं, सब पर मौजा पड़े से सब साथ में रह के मजा आते हैं हमें। जी अलग अलग रहते मजा नहीं आता, साथ में मजा आती, मजा आती जी। और अच्छा परिवार में लोग अच्छा अच्छा। हाँ ये भाभी जी है, लेकिन मेरी भाभी पर माँ समान जैसे इतना रखती है, इतना जिस माँ बाप को कहो याद नहीं दिलाती। अच्छा वो भी भाभी है, वो भी भाभी काका जी की लड़की, माँ के माँ के को काका जी की लड़की, काका जी की लड़की है, सब मेरा ज्वाइन। अरे हमारा परिवार इतना अच्छा है, कोई कहने भी बात नहीं, माँ के कोई याद नहीं आई उसके साथ रह के, माँ की याद नहीं आती। इतनी भाभी मतलब आपको प्यार करती हैं, बहुत नसीबदार हमें जी, इतनी भाभी अच्छी मिली है, भैया भी अच्छा है, भतीजा वो भतीजा सब अच्छे है हमारे लिए जी, सब अच्छे हमारे लिए। गुजराती इसलिए गुजरात का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जी, क्योंकि है प्रेम है, भाव है, एक दूसरे को साथ में रखने का। देखिए मैया ऐसी है, भतीजा वो भी ऐसी है, भतीजा ऐसा है, सब हमारे लिए बहुत अच्छे है, हमको सब रखते हैं। देखिए राम की नगरी को अगर तीरथ कहा जाए तो वास्तव में ये परिवार भी एक तीरथ है, ये परिवार भी एक धर्म स्थल है, एक परिवार भी तीर्थ स्थान है। और मैया ने जैसे बताया कि उनका परिवार राम है, तो ऐसे राम की नगरी में जहाँ पर बहुत सारे दुनिया भर से भक्तगण श्रद्धालुगण आने वाले हैं, लेकिन ऐसा परिवार, ऐसे माता पिता, ऐसा संस्कार जो है वो हमारे घर घर में हो, ऐसा राम की नगरी से आप लोग संकल्प लेकर जाइएगा, तभी आपकी यात्रा पूरी होगी, तभी आपके रामलला के दर्शन की जो भावपूर्ण दर्शन है वो पूर्ण होगा।